अगोले जी उठो। ब्रेकफास्ट कोरोना वायरस का वजह से अभी UFC को भी परमिट नहीं है, अभी बिना ऑडियंस के ये खेला रहा है। आई एम ऑन द वे टू ईटानगर। ये लुमदंग का चराई है। ईटानगर करीब कम से कम मैं 4 घंटा अंदर में पहुंच जाएगा। ब्रूसली का फिगर है ये मेडक तो बोलूँ तो ये शेदी का 100 का ये पक्की कैसे मार्केट आई। ये बहुत फेवरेट सब्जी है मेरा। हमारे ट्राइबल लोग यही ऐसे ही सब्जी खाते हैं और ये पेट के लिए भी बहुत साफ है, पेट को बहुत साफ करते हैं। बहुत नींद आती है इसे खाने से। ईटानगर नहीं पहुंचने से पहले पानी नहाऊंगा, नदी में पानी नहाऊंगा। नॉन स्टॉप दौड़ूंगा। हाँ देखिए हवा। मैं इसको UFC का किक एक जमाना में जब स्टार्वेशन होते हैं, जब स्टार्वेशन जब फेमिन का जब क्रॉप फेलर्स होते हैं, फेमिन होते हैं, तो लोग इसी से जीवित रहते थे। जब ये पक जाते हैं बहुत मीठा होते हैं तो यही लोग खाते थे। यही पहाड़ का रास्ता है। डर लगता है पांव टूटेगा। हेलो तुम ठीक है ना? कहाँ जाएगा? क्या हो रहा है? हाँ थोड़ा आओ ना इधर प्लीज, थोड़ा ट्राई करो ना पहाड़। क्या घर? उसको पता नहीं ये आनंद इतना मुझे मिल रहा है। कितने सालों के बाद पहाड़ चढ़ रहा है मुझे पता चला रहा है। दौड़ आपको पता है ये पहाड़ चढ़ के मुझे कितना मजा लगा, मुझे कितना आनंद मिला। तुम्हें कुछ आइडिया है कि इसका क्यों आनंद मिला? ओह माय गॉड, पहाड़ चढ़ना कितना एक एक्सरसाइज अंग, इसको क्या कहते हैं, मरियाना, जहाँ तक मिल जाते हैं। ये कोई किसी ने प्लांटेशन नहीं किया, ये किसी का ये जंगल में है। हाँ रेंडमली जो यूज किया वो शायद कहीं गिर गए होंगे, बढ़ जाएगा और लोगों को थोड़ा फिर लोगों को फिर हानिकारक लोग इसे। वेल बेरीज फिर तोड़ने जा रहा हूँ। मैं बास्केट बनाऊंगा, यही मैं वाइल्ड बेरीज को पूरा भर्ती डालूंगा।
बस मैं पवित्र स्नान करने जा रहा हूँ पहाड़ के बीच में। ये बहुत बहुत ऊंची पहाड़ है ये जगह, तो यही आज जितना भी मेरा पापी है, जितना भी जितने भी मुझ में जो जितने भी गंदी चीज़ है, चाहे वो जो भी मुझ में जो भी चीज़ खराबी चीज़ है, मैं आज यहीं में धो डालूँगा। मैं आज यहीं में धो डालूँगा। यहाँ के लोग क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, ये झरना मैं आज यहीं नहाऊँगा, मैं आज यहीं नहाऊँगा। और देखिए ये इलायची इतना सुंदर से, निसी एरिया में ऐसे लोग हैं जो अभी भी पेडी कल्टीवेशन से बहुत ज़्यादा नाता जुड़ा हुआ है और उसे कोई इकोनॉमी इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आते हैं। ये ऑल एज एक ट्रेडिशन प्रैक्टिस ही बन गया, तो इसलिए लोग अभी भी करते हैं कल्टीवेशन। तो मेरा नज़र से तो ये भी कार्डमम ही करना। ये है पसो पयो सब्जी, निसी में पसो पयो बोलता है इसे, इसको बॉयल करके खाते हैं, इसे बाया कहते हैं। ये पेलू का काम करते हैं, पेट का जितना भी कीटाणु है ना उसे मार देते हैं। ये बहुत फ्रेश लग रहा है, पॉल्यूशन नहीं है यहाँ के लोग का। हमारे इन्वायरमेंट ऐसे ही हुआ होता तो कितना दुनिया आज कितना सुरक्षित होता। कोरोना वायरस के समय में अभी जो लॉकडाउन है इसमें इन्वायरमेंट काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। किसी भी सिटी शहर में ऐसे देखने को नहीं मिलेगा, जो बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े सिटी में जो लोग बसे हुए हैं ना, कभी कभी पहाड़ के अंदर जाके पहाड़ का जो खासियत है, जैसे नदी है, जैसे वेजिटेशन है, उसे इंजॉयमेंट करना चाहिए ताकि उसको पता चले कि इन्वायरमेंट का इम्पोर्टेंट क्या है। नहीं नहाना चाहिए शैम्पू साबुन से, नहीं नहाना चाहिए ना। देखो कितना प्रकृति का सुंदर है, कितना खूबसूरत। कार्डमम, बिग कार्डमम का कल्टीवेशन मैं दिखाऊंगा। मुझे पता नहीं ये बगीचा किसका है, बस मैं जस्ट थोड़ा सा वीडियो फुटेज लेने जा रहा हूँ। थोड़ा इनको छाया मिलना चाहिए, इस बीच बीच में कई पेड़ पौधा डालना चाहिए था कि इनको थोड़ा छाया मिले। छाया का कमियाँ है इसलिए इनको थोड़ा बीमार है शायद, इनका पत्ता पूरा सूखे हुए हैं रहा है, उनका पत्ता भी थोड़ा हेल्दी आप देख सकते हैं। इसके पास में दो गच्ची तीन गच्ची है, तो इसकी वजह से इनका थोड़ा ग्रोथ हेल्दी है। मच्छर क्या मिसर तमिक जैसा तो वो क्या होता है? मच्छर जैसा होता है और तमिक जैसा होता है, खून पीता है। पीने दो, उनको भी बुखार होगा ना थोड़ा।